रमज़ान की जैसे खुशबू आने लगती थी, खुशबू से मुराद शाबान का महीना, और उससे पहले ही जैसे ही ये माह शुरू होने वाला होता था तो बाबा ने हमेशा से ही जो है वो ईद की शॉपिंग वगैरह करके रख ले ली। उस वक्त सदर का चक्कर लगाते थे, जो अभी भी हमारे पास जैनब मार्केट है वहाँ जाना, वहाँ पे भाइयों के कपड़े और मेरे ड्रेसेस, शूज़, चप्पलें, जो भी लेना होता था ना आइटम, वो ला के, या अगर कपड़े स्टिच करवाने हैं तो स्टिच करवा के रख लेते थे ताकि रमज़ान सुकून से गुजरे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी यही आदत है। अब तो स्टिच क्या करवाने, अब तो जो ब्रांड्स वगैरह पे सेल लगती है तो सेल से हम तो उठा लेते हैं। और ये जो रमज़ान ग्रॉसरी जो लोग एक दिन से एक दिन पहले कर रहे होते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से करके रख लेनी कि सुकून से जो है इसकी तैयारी की जाए और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया जाए। सो आज की मेरी वीडियो है अबाउट ईद, ईद ड्रेसेस की, कौन कौन से ईद ड्रेसेस लिए और कितनी अमाउंट में लिए और बहुत ही रिजनेबल मिले। तो शुरू करूँगी सबसे पहले इस पावर पैक के साथ जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप ये देखें, मैं जूम करूँ या खुद दिखाओगी? ये देखें, ये इसमें जो है तिल्ले का काम हुआ हुआ है, साथ साथ गोटा भी लगा हुआ है। ये देखें गोटा, और बहुत बारीक। मैं कहती हूँ अगर मायों में ये पहना जाए ना तो ब्राइड के टक्कर का ड्रेस है। अगर आपने मायों में पहना तो ब्राइड के टक्कर का ये ड्रेस है। इसमें पाइपिंग जो है वो ये शॉकिंग पिंक कलर की हुई हुई है, कुर्ती फॉर्म में है। ये देखें इसमें ये पैचेस, ये तमाम पैचेस जो हैं ये बने हुए हैं, यानी कि लगे हुए नहीं हैं। अगर आपको वाजे नजर आ रहे हो इस लाइट में, इज इट विजिबल? ओके। और ये इसकी बैक है, प्लेन बैक। दुपट्टा देखें किस कदर मजे का है। उफ, मैं आपको लेके दिखाती हूँ। आप देखें बेहतरीन पट्टी इस पे लगी है, और ये टसल्स हैं इसके साथ जिसको पैक किए हुए ताकि खराब ना हो। और ये शिफॉन, शिफॉन का दुपट्टा है, फुल लेंथ दुपट्टा। ये देखें फुल लेंथ दुपट्टा। और ये इसके साथ है ट्राउजर, अच्छा ट्राउजर नहीं है बल्कि शलवार है, ये शलवार है इसके साथ। और शलवार का पांचा आप चेक करें, इस पर भी इस तरह से कढ़ाई की हुई है, पट्टी वो बनारसी पट्टी नहीं लगी हुई। और ये छन वाला जो जामावार का कपड़ा होता है ये वो है। सो दिस इज द कंप्लीट लुक। वो जैस्मिन है ना, इंडिया की जैस्मिन जिस तरह दिखाती हैं तो उसकी तरह मैं दिखाती हूँ। दिस इज द कंप्लीट लुक, ऑसम ना। अच्छा, और ये मुझे मिला जे डॉट में सेल में 14 समथिंग का। तो कलर्स की मैंने कोशिश की है कि कलर्स की डाइवर्सिटी हो यहाँ पे, जैसे कि मेरे चैनल की डाइवर्सिटी है। सो हेयर कम्स द नेवी ब्लू वन, आई थिंक नेवी ब्लू ही कहेंगे इसको। वैसे कलर्स के नेम्स जो है ना आजकल बहुत नए नए आए हैं। अच्छा, अगेन गोटा वर्क है यहाँ पे। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, फ्रॉक है ये। ये देखें दामन पे इसके इस तरह पैच की एम्ब्रॉयडरी है, बाउंड्री लाइन बनी हुई है इसकी, चाक इसके क्लोज, स्लीव्स पे भी इन्होंने बिल्कुल इसके जो बॉर्डर पे है एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बैक है, बैक में भी कलियां हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त टसल हैं ये साथ में इसके। मैं आपको फैला के दिखाती हूँ, ये देखें खूबसूरत सा ये लगेगा। और इसके साथ ट्राउजर जो है उसमें भी ये पैंचा बना हुआ है। अच्छा, साथ इसके लाइनिंग भी है। लाइनिंग का मकसद जो है कि फ्रॉक की शेप जो है वो खराब ना हो। इसकी प्राइस मैं आपको बताती हूँ, ऑलमोस्ट 14 का ये है, परफेक्ट। अच्छा, जहां तक कलर्स की बात आती है तो कलर्स के साथ साथ व्हाइट और ब्लैक का जो है ना कभी भी ट्रेंड आउट ना हुआ।
वाइट और ब्लैक जो है बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पे मैंने लिया है क्रीमी कलर है, क्रीम कलर और साथ में ब्लैक का कॉम्बो है। कुछ इसमें जो है प्रिंट है, कुछ इसमें पैच वर्क है, कुछ इसमें एम्ब्रॉयडरी है। कंप्लीट लुक मैं आपको दिखाऊं, ये है इसकी, लॉन में है ये पैंचे पे, इसमें यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बीच में पैच डाला है प्रिंटेड कपड़े का, कुछ डोरी का काम, अगेन डोरी एम्ब्रॉयडरी मिक्स, फुल स्लीव इस तरह से करती है और ऊपर ये कैरी बनी हुई है। कैरी में ये भी पैच नहीं है बल्कि ये भी एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके जो नेक बैक की नेक लाइन है इसके ऊपर भी ये एम्ब्रॉयडरी है, पैच वर्क नहीं है किया हुआ, बकायदा एम्ब्रॉयडरी की हुई है। अब मैं आपको इसको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ, ये है इसकी ओवरऑल लुक। इंसान को कभी डिसेंट भी लगना होता है ना कहीं पे। अच्छा, इसका दुपट्टा भी बहुत मजे का, आजकल सिल्क के दुपट्टे बहुत इन हैं, जबरदस्त किस्म का सिल्क का दुपट्टा है और ये इसके साथ टसल है, ठीक हो गया। और बेल बॉटम इसके साथ स्किन कलर का ही ट्राउजर, ऑसम ब्लॉसम। अच्छा, फैंसी तो काफी हो गया, अब मैंने कहा कुछ मजीद डिसेंट कलर लिया जाए, तो बिल्कुल लाइट पिंक बेबी पिंक कलर है ये। और अक्सर ये इस तरह के ड्रेसेस मैं अपने लड़कपन में जो है बहादुराबाद की जो बुटीक है अपने, अब यकीनन अभी भी मौजूद है वो, पॉज करना, एक्सक्लूसिव, तो वहाँ पे इस तरह के ड्रेसेस होते थे और मैंने ऑलमोस्ट हर उसके सीजन में इस तरह के ड्रेसेस लेने। ये देखें सिल्क पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, बहुत ही बारीक बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशंस में, और वही एम्ब्रॉयडरी इसके नेकलाइन पे है। कुर्ता फॉर्म में है ये, कॉटन है और जबरदस्त किस्म का ये नेट का दुपट्टा। अच्छा, नेट इसकी आप देखें अगर फोकस करके तो ये नेट मोटी मोटी वो जो आती है बड़े बड़े पोर्स हो रहे होते हैं वैसी नहीं, बिल्कुल बहुत गुंधी हुई और बेहतरीन किस्म की नेट है। मैं और ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा हैवी लुक दे रहा है, वो जो कहते हैं ना उड़ी उड़ी जावे। मैं उड़ी उड़ी जावा तो उड़ी उड़ी जावा नहीं है बल्कि फॉल है इसकी दुपट्टे की, तो आप इजीली अगर सर पे लेना चाह रहे हैं तो सर पे ले सकते हैं इसको, डिसेंट लुक गर्मियों के लिहाज से। इसके साथ जो है वो पैंट ट्राउजर, अच्छा वो तमाम ड्रेसेस जो थे वो जे डॉट की है। अच्छा, ये जो है ये है वानिया का, वानिया का नहीं है, है तो मेरा ही लेकिन वानिया ब्रांड का है। ब्लैक और फरियाद स्लीव्स देखे इसके, इसके स्लीव्स पे ये बड़ी बड़ी सितारी का काम है, कुछ छन है इसमें, कुछ पर्ल्स का है इसमें, इस तरह से करके इसको फुल जो है कंप्लीट लुक दी गई है। अच्छा, इसकी चाक पे लूप्स बनाई गई हैं और ये लूप्स जो है ये ऊपर तक आ रही हैं, यहाँ पे बटन लगे हैं कपड़े के ही बटन लगे हैं और ये लूप्स नीचे ओपन रखी गई हैं। इसके साथ ये नेट का छन वाला दुपट्टा है, इसमें देखें ये छोटे मोटे छोटे छोटे सितारी आ रही है जिसकी वजह से ये खूबसूरत लुक देगा। ले जी, अब बारी है आइडियाज की, दिस वन इज फ्रॉम आइडियाज, सिंपल एंड डिसेंट जामावार कपड़ा है, कॉटन में, स्लीव्स का स्टाइल देखें और ये इसकी पॉकेट्स हैं यहाँ पे, लॉन्ग लेंथ में है, साथ ये इसका बहुत खुला दुपट्टा पूरा ही खोल देती हूँ और साथ में पैंट ट्राउजर, लुकिंग नाइस, कलर अच्छा है गर्मी के लिहाज से। यस, सबसे ज्यादा फैंसी और खूबसूरत लुक देने वाला ये ड्रेस है और ये आसिम जोफा का है, आसिम जोफा,
आप बोलो कैसा आप लोग। वाह कितना प्यारा है ये। इसकी ये नीचे देखें, ये नीचे इसके पैच वर्क हुआ है और इसके साथ ही जो सिल्क की लाइनिंग है, सिल्क की लाइनिंग का वही कपड़ा जो है नीचे पैच में दिया गया है ताकि इसकी अच्छी सी फॉल आए। डल डस्टी जो है इसमें गोल्डन वर्क हुआ है जो कि कंप्लीट सितारी का काम है, कंप्लीट सितारी का काम है ये देखें। साथ इसके पैंट ट्राउजर, अच्छा दुपट्टा, बिल्कुल ये ना सोचे कि ड्रेस हैवी है तो दुपट्टा हल्का होगा, दुपट्टा भी इसकी हैवी ही लुक दे रहा है। आसिम जोफा नेल्ड इट, कैसा, बहुत प्यारा। सो जी ईद के बाद कुछ शादियां भी आ रही हैं इसीलिए इस तरह के ड्रेसेस हमने कुछ लिए हैं ज्यादातर, ताकि उसमें भी ये काम हो सके। सो बात हो रही थी ईद से पहले या रमजान से पहले इस तरह की शॉपिंग करने की, और इस तमाम प्रोसीजर को कहते हैं प्रोएक्टिव। लाइफ में प्रोएक्टिव होना पड़ता है किसी भी किस्म के हालात से निपटने के लिए, किसी भी किस्म की आजमाइशों से निपटने के लिए। इंसान अगर पहले से तैयार हो और उसकी तैयारी करके रखे, दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिविटी। क्या आप भी प्रोएक्टिव हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे ड्रेसेस कैसे लगे और ये ईद की तैयारी कैसी लगी। टिल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, ईद मुबारक।